लॉकडाउन के समय गरीबों तथा असहायों को मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ रहे हैं, जिसमें बैंक भी पीछे नहीं है। सासाराम में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सामाजिक सरोकार के तहत आज गोटपा गांव के लोगों के बीच खाद्यान्न तथा अन्य सामानों का वितरण किया। बैंक के शाखा प्रबंधक वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में बैंक कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोटपा के दलित टोला में 100 से अधिक परिवारों को मदद पहुँचाई। इस दौरान दलित बस्ती में बैंक कर्मियों ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा स्वच्छता को अपनाने की भी अपील की। वहीं कोरोना के संक्रमण से बचने के उपाय पर भी चर्चा की गई तथा बताया गया कि अपने घरों में रहें तभी है। बैंक कर्मियों ने ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय की जानकारी भी दी। बैंक के शाखा प्रबंधक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सामाजिक दायित्व को हमेशा से निभाती आई है, उसी के तहत गरीब और असहायों के बीच मदद पहुंचाई जा रही है। ये जो हम राशन की वितरण कर रहे हैं, ये हम बैंक ऑफ बड़ौदा सासाराम शाखा की तरफ से CSR एक्टिविटी के तहत ये किया जा रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा से CSR एक्टिविटी के तहत जो है सामाजिक जो है वो दायित्व का निर्वहन करता है, उसी के करीब में आज हम ये राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं भाई? इसमें चावल है, 3 किलो चावल है, आटा है, तेल है, नमक है, दाल है, आलू है, और ये अलग अलग बिस्किट्स पैकेट वगैरह है, ये सब हम दिया जा रहा है सरकार की तरफ से।